पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दिया है। But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So. जयशंकर ने कहा कि वो वहाँ भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा के लिए नहीं जा रहे। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बड़ी जबरदस्त देखिए, इसको कहते हैं डिप्लोमेट, इसको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर। उसकी जगह पे वो खुद भी उन्होंने कहा जी मैं तो बायलैटरल तो नहीं जा रहा, मैं तो एक अच्छे SCO मेंबर के तौर पे पाकिस्तान के विजिट पे जा रहा हूँ। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने के बजाय खराब हों। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त जाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। थोड़ा सा थोड़ी सी गुंजाइश है, शायद थोड़ी सी होप्स भी हैं, आशा है कि कोई बायलैटरल बातचीत भी हो जाए या कोई ओपनिंग निकल आए। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है। एक बात तो है, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। दोस्तों, भारत के वजीर खारजा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दिया है कि मैं आपसे बात करने कोई नहीं आ रहा, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको एड्रेस करने जा रहा हूं, मैं इंडिया को SCO में रिप्रेजेंट करूंगा। दो दिन पहले आपको पता है मैंने एक वीडियो, जो मेरी पिछली वीडियो है, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो मैंने आपको कहा था पाकिस्तान को करना चाहिए, इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर वैसे ही बोल रहे हैं, मतलब ये कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। और मैंने भी यही कहा था कि भारत जो है वो बातचीत नहीं करेगा, मूड नहीं है। अगर भारत ने बातचीत करनी हो तो सिग्नलिंग होती है। जयशंकर अस्ताना में जब पाकिस्तान के बारे में बोले, UN में पाकिस्तान के बारे में बोले, आप क्या समझते हैं वो दो चार हफ्तों के अंदर वो चेंज हो जाएंगे? नहीं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आना था और आना है। दैट इज बिकॉज ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट, ठीक है। और लेकिन एक बात तो है, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर वहां कहते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो दरअसल हर मुल्क का अपना अंदाज है, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, इंडिया मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर कहता है, हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, तो हर मुल्क का डिफरेंट डिफरेंट होता है। बहरहाल चले, दैट्स अनदर क्वेश्चन। एनी हाउ, अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं और पाकिस्तान को इस लाइन को समझना चाहिए, ठीक है जी। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि जैसे ही जयशंकर ने अनाउंस किया, नॉट जयशंकर बट जयसवाल साहब जो थे उनके स्पोक्सपर्सन, उन्होंने अनाउंस किया तो भाई मच गई पाकिस्तान में, शोर मच गया। उन्होंने कहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैं इसमें लेकर के जरा कोई एक्साइटेड नहीं था, और मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एक्साइटेड नहीं हूं, मैं इस की नोयत को समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक एक डिफरेंट चीज है। और ठीक है, अब पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो कोई बायलैटरल जो है वो मुज़ाकरात की दावत ही नहीं दी, ये तो एक एक्सटर्नल चीज है, ये तो एक डिफरेंट चीज है, तो इसमें इसको उसी एंगल से देखना चाहिए, ठीक है। सो एक तो ये चीज हमें थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का जो मूड है वो ये है कि वो आएंगे, आके अपनी एम्बेसी के अंदर ही, पता नहीं हाई कमिश्नर के अंदर रहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडियन हाई कमिश्नर का है। कभी कभी जब मौका मिलता है, जब भी इंडिया का कोई नेशनल डे हो, होली रिसेप्शंस हो, या जब भी वेन एवर दे हैव एनी ऑफिशियल इवेंट, इंडियन हाई कमीशन डज इनवाइट एंड वी गो देयर, लाइक वी visited the
डिप्लोमेटिक मिशंस इन इस्लामाबाद और जाके वहाँ गपशप होती है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि सो पाकिस्तान को इस चीज को बड़े केयरफुल लेना चाहिए। ऊपर से पंजाबी जी कहते हैं सोने दे सुहागा हो गया, सोने दे सुहागा की हो गया। हमारे एक पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू लुक एट कि जहां पे छोटे लोग बड़े जगहों पे पहुंच जाएं, छोटे लोग बड़े जगहों पे पहुंच जाएं और फिर वो मुल्क का सत्यानाश ऐसी की तैसी मार दें, ठीक है। और हम पिछले 76-77 सालों से छोटे लोगों से डील कर रहे हैं। मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूँ, छोटे लोग मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ जगहों में छोटे लोग जो हैं, ठीक है जी, वो हमें रूल कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है, जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। मजे साहब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस दौरे से? शंकर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम को भी भेज दें। अच्छा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बड़ी अच्छी खबर होगी। नहीं, अच्छी खबर है, इससे हट के होता क्या है नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज बाज पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे के का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, एक्सक्लूसिवली शंघाई कॉन्फ्रेंस या बियॉन्ड शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कुछ हो। अच्छा। और ये कि उनके आने के लिए क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइन रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे, जिसके मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं है, तब भी आपको लगता है अच्छी डेवलपमेंट है। भट्टी साहब आपकी क्या राय? देखिए मैडम शेख, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी मुसबत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की, एक इंतहा पसंद हुकूमत। और नरेंद्र मोदी हुकूमत क्या कर चुकी है ये आपके सामने है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विज़िट के फ़ौरन बाद, कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। और भारतीय वजीर खारजा वजीर दिफा अभी दो दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे तलुकात रखते, तो जितना कर्जा लेने के लिए आप आईएमएफ के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। हालात क्या हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत, बजरिया ईरान, बजरिया अफगानिस्तान, भारत में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना, पाकिस्तान में भारतीय टारगेट किलिंग और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की कोशिशें, कभी फैटिक में उलझाना, कभी खेल के मैदान में तन्हा करना, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना, कभी दहशतगर्दों का सरबराह कहना। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वजीर खारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है, मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ़ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इशूज पर कोई बात नहीं होगी। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं
और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं, जाना चाहिए, हम जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े नारे शारे लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उस वक्त बिलावल भुट्टो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे वो गए, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर, और इंडिया तो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, पाबंदी करता है, तो उन्होंने कहा, ये बड़ी बात है, ये कहा जा रहा था नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं आएंगे ऐसी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो है ये मामला एक ऐसे मीटिंग का है जिसमें कि हम मेंबर हैं, और तो बीइंग अ मेंबर हमें जो है वो उसके अंदर जाना चाहिए, और ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो फिर डॉक्टर जयशंकर को उसमें जाना पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है, या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है, या उनके साथ मुगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, और हमारी ट्रीटी और बायलेटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने के वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, क्योंकि मेरे भारत में गरीब बेटियों को, यतीम बेटियों को महरम और गैर महरम बोल करके बेइज्जत नहीं किया जाता है, बल्कि अभी नवरात्रि आ रही है, आ चुकी है, और 90 दिन हम लोग 9 बेटियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और उनको उनको हम सजाते हैं, बिल्कुल देवी माँ की तरह सजाते हैं। तो हम हमारे डॉक्टर एस जयशंकर उन प्रथाओं के और उन उस धर्म के मानने वाले हैं, तो वहां जा करके जिस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे वो सुनने के लिए पूरी दुनिया बेचैन हो रही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की बात बहुत फेयरलेस होती है, बहुत करिश्मेटिक होती है, बहुत डायनामिक होती है, और हालिया में हमने जिस हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को जीडीपी से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए, याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत ने भारत है स्लैप डाउन पाकिस्तान मेनी टाइम्स, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना, हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है, तो आई एम वेरी हैप्पी। जहां पे आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्ख कलामियों के यूनाइटेड नेशन में, ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। हमारे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अगर आप कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, और उसके जवाब में फिर डॉक्टर अजय शंकर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पर नाजर जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं यार, नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया, तो इससे ये भी तो कहीं ना कहीं पर हम एक प्लस पॉइंट उठा सकते हैं कि भारत का पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर रखना बहुत अरसे के बाद, हो सकता है कि हम दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज हो सकता है कि मसला कश्मीर को डिस्कस किया जाए, हो सकता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसका इंडिया हर फोरम के ऊपर जिक्र करता है, क्या पता इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट तैयार कर ही ली हो, क्योंकि जब डॉक्टर अजय शंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको। सबसे पहले शैला मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया, टुच्चे लोगों को छोड़ दीजिए, चवन्नी छाप और अठन्नी छाप को छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि नाजिया इलाही खान का चेहरा बहुत रेनाउंड है एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज अ स्पीकर। क्या इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर सकता है, क्या इस बात से गल्फ कंट्रीज डिनाई कर सकती है, क्या इस बात से भारत डिनाई कर सकता है, या इस बात से अमेरिका या रशिया डिनाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात अमेरिका के क्वाड के मीटिंग में पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं हुई थी। I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a
meeting of the SCO, SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state. One of us, it changes, usually one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course I'm planning for it. I mean, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do. And which could happen also. I mean, you plan for that as well. So I expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such. And I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But, you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly.